हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हम लोग अपना बुक SST और उसमें भी हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा SST है और बुक है हिस्ट्री. उसमें हम लेसन ले रहे हैं, लेसन नंबर 4, ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, आदिवासी, डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना. ये हमारा लेसन है और आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इस लेसन की पार्ट नंबर 1 है. तो आज ये फर्स्ट वीडियो है इस लेसन की. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं लेसन के बारे में, क्या है कि ट्राइबल्स क्या होते हैं. पहले ट्राइबल वर्ड को देखते हैं. ट्राइबल्स माने होता है आदिवासी, जो जनजाति होती हैं और जंगलों में रह करके अपने जीवन को या ऐसे इलाकों में रह करके जहाँ पर जो हमारी सिविलाइज्ड लाइफ है, जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनका आना जाना ना होता हो, ठीक है. ऐसे रेगिस्तानी इलाके, टापू, ठीक है, समुद्र के बीच में मौजूद टापू, आइलैंड्स या जंगल के इलाके, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमारे सिविलाइज्ड वेल कल्चर्ड जो हमारे लोग हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं, उनसे अलग हैं, ठीक है. तो ऐसी जनजातियों को ट्राइबल्स कहते हैं. जैसे इसके अंदर मुंडाज, अभी आप पढ़ेंगे, मुंडाज एक जनजाति होती है, ठीक है. गुज्जर एक जनजाति होती है, ठीक है. भोटिया एक जनजाति होती है, भील, बहुत सारे नाम आएंगे. अभी इंडिया के अंदर बहुत सारी जनजातियाँ मिलती हैं, ठीक है. तो उनके बारे में हम लोग भी पढ़ने वाले हैं अभी. इसके अलावा डीकूज वर्ड का मतलब क्या है. डीकूज वर्ड का मतलब है आउटसाइडर. आउटसाइडर का मतलब ये एक जो ट्राइबल्स थे उनके द्वारा दिया गया एक वर्ड है जो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में यूज़ किया करते थे. डीकूज यानी कि बाहर से आए हुए लोग, अंग्रेज़ों को बाहर से आए हुए लोग मानते थे. और मानते थे क्या, वो सच्चाई थी, वो तो थे ही बाहर से आए हुए. तो उनको उन्होंने नाम दिया था डीकूज. आदिवासियों लोगों ने उनको डीकूज कहा. एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, और स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में आदिवासी लोगों ने भी कोशिश करी कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दखल दिया जंगलों में जाकर के भी, उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया था. तो उन्होंने वहाँ से भी अपने आप को चाहते थे, वो भी चाहते थे, आदिवासी लोग भी चाहते थे कि हम इनसे छुटकारा मिले हमें. इसीलिए उन्होंने उनको डीकूज नाम दिया और एक ऐसी कल्पना करी कि हम भी जो है उनसे बाहर निकले, हम जो हैं हमें भी आज़ादी मिल जाए, तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ. और देखिए, उन्होंने उस तरीके की आंदोलन तो नहीं करे, बट उन्होंने अपने तरीके के आंदोलनों में किया, ठीक है. तो जैसे हमारे हम जो हैं आज़ादी के जो सबसे ऊंचे, जो हम मानते हैं सबसे बड़े व्यक्ति को दिलवाने वालों में, उनको महात्मा गांधी को हम नाम देते हैं जैसे, ठीक है. अच्छा, या हम सुभाष चंद्र बोस, या हम जो हैं आपका सरदार भगत सिंह, ठीक है, इनका हम इनको याद करते हैं और इनको मानते हैं. ठीक उसी प्रकार आदिवासियों में भी उस टाइम पर बिरसा नाम के एक लीडर हुए, उनको माना जाता है बिरसा. तो आइए देखिए, पढ़ते हैं लेसन की हम लोग शुरुआत करते हैं. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो आइए शुरुआत करते हैं. देखिए, इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार. यानी कि बात 1895 की है. एक बिरसा नाम का आदमी, जिसको कि छोटा नागपुर जो कि बिहार के जंगल थे, वहाँ के जंगलों में गाँव में घूमता हुआ वो मिलता था, वहाँ पाया जाता था, वहाँ पे देखा जाता था उसको, बिरसा को. पीपल सेड ही हैड मिरेकुलस पावर्स. लोगों का कहना था कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, मिरेकुलस पावर्स, चमत्कारी शक्तियाँ, मिरेकुलस, ठीक है, चमत्कारी. तो उनके पास क्या है, चमत्कारी शक्तियाँ हैं. ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन. वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और हमारी अनाज को भी बढ़ा सकते हैं, अनाज को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं. बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैज अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम
फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डीकूस। देखिए, बिरसा ने भी अपने आप को ये माना कि भगवान ने उन्हें चुना है, ठीक है, लोग हमारे लोगों की, अपने लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए, और उनको स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, गुलामी से स्लेवरी, और किसकी, डीकूस की, यानी अंग्रेज़ों की गुलामी से दूर करने के लिए उन्होंने भी ये माना कि मैं ही इसको दूर कर सकता हूँ और मैं, मुझे परमात्मा ने इसके लिए चुना है। उसके बाद सून थाउजेंड्स बिगन फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों ने बिरसा को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो ये मानने लगे कि बिरसा उनके समस्याओं को दूर करेंगे। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। बिरसा मुंडा परिवार में जन्म हुआ उनका। ये एक जनजाति है जो कि झारखंड के इलाकों में मिलती है, अब तो झारखंड बन गया, पहले वो बिहार था, ठीक है, तो वहाँ पर मुंडाज, बहुत एक फेमस नाम आपको बता देता हूँ, अर्जुन मुंडा, जो कि इस समय करंट में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, भारत की जो जनजातियों के मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा है। और खुद मैंने आपको बताया मुंडा नाम की जो जनजाति है वो झारखंड में मिलती है, और जो अर्जुन मुंडा जो कि इस समय मिनिस्टर हैं इंडिया में, वो खुद झारखंड से ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जनजाति मामलों के मिनिस्टर जो इस समय सरकार में है वो खुद अपने आप में एक जनजाति से आते हैं। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लाइव्ड इन छोटा नागपुर, यानी कि मुंडा परिवार जो कि एक जनजाति है और कहाँ रहती है, जो कि छोटा नागपुर बिहार में मिलती है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथालाज एंड अरेओंस। जो उनके, जो आप कह सकते हो कि उनके फॉलोअर्स जो थे सिर्फ मुंडाज ही नहीं थे, इसके अलावा अन्य जनजाति भी थी, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया अन्य जनजाति, संथाल्स और अरेओंस, ठीक है, ओरियंस, ये जो हैं ये भी अन्य जनजाति हैं, और ये जो जनजातियाँ हैं ये भी आपका झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मिलती हैं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि वो सब भी ये समझ रहे थे, जो बाकी की जनजातियाँ थी वो भी ये देख रही हैं कि भाई, और बिरसा भी ये समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत दुखी हैं, अंग्रेज जब से आए हैं, जब से ब्रिटिश रूल आया है, तब से हमें समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कानून थे जो कि हमने हिस्ट्री के इससे प्रीवियस लेसन में पढ़े, परमानेंट सेटलमेंट, आपने इससे प्रीवियस लेसन में पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट कहता यही है कि जितनी भी जब उनको टैक्स की रिकवरी कैसे होगी, तो अगर फार्मर परमानेंट फिक्स्ड नहीं होगा तो उससे टैक्स रिकवरी कैसे की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पे आपका एक परमानेंट फिक्स्ड घर है और वहाँ पर आपके घर के बाहर मीटर लगा दिया जाता है, तो सरकार आपसे बिजली जो है आपको देती है, और बिजली देने के बाद आपसे महीने, दो महीने के बाद आपसे बिजली का बिल रिकवर करती है। वो रिकवरी सरकार तभी कर पाती है जब आप वहाँ फिक्स्ड हैं। इन केस अगर आपके पास कच्चा घर होता या आपके पास टेंट होता, तो आपको क्या मीटर दे दिया जाता, क्या सरकार आपको मीटर देती, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब वो रिकवरी करने आते तो शायद आप वहाँ मिलते ही ना, अंग्रेजों का मानना ऐसा था। तो जो जंगलों के अंदर आदिवासियों से कर्ज वसूलना या टैक्स वसूलना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने आदिवासी जनजातियों पर भी बहुत सारे कानून बना दिए थे, उनके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए थे। इसीलिए जो जनजातियाँ थी वो काफ़ी परेशान थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल के दौरान। देयर फैमिलियर्स वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपेयरिंग, देयर लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपेयर्ड टू बी इन डेंजर। वो सब आदिवासी जनजातियाँ जो थीं, उनकी जो पुरानी जो लाइफ है, जीवन है, वो डिसअपेयर हो रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है, और क्योंकि जंगलों पर
जंगलों को काटना अब मना कर दिया गया था, लकड़ियों को काटना मना कर दिया गया था, लकड़ियों को जलाना मना कर दिया गया था, उन पर बैन कर दिया गया था, ठीक है। हथियार रखना बैन हो चुके थे अंग्रेजी समय में, ठीक है। तो इस वजह से अब जो आदिवासी प्रजातियां थीं जो कि हथियारों का इस्तेमाल अपने जीवन को चलाने के लिए करते थे, या उन हथियारों का इस्तेमाल करके वो शिकार किया करते थे, या जंगल की लकड़ियों को जला करके वो अपनी जीविका चलाते थे, या जंगल के पौधों से जड़ी बूटियां लेते थे, वो सब अब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था। इसी वजह से उनकी जो जीवन था वो खतरे में पड़ता जा रहा था। उसके बाद देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, किन समस्याओं का समाधान बिरसा ने किया। हु वर द आउटसाइडर्स बींग रेफर्ड टू एज डिकूज एंड हाउ डिड दे इंसल्ट द पीपल ऑफ द रीजन, यानी कि किन को डिकूज कहा जा रहा है, किन आउटसाइडर्स को डिकूज कहा जा रहा है, और किस तरीके से उन लोगों ने इनको आदिवासियों को भी अपना गुलाम बना लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, वॉट वॉज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, यानी कि ट्राइबल पीपल्स जो जनजातियाँ थी उनका क्या हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रिटिश रूल के दौरान उनके साथ काफ़ी सारे प्रतिबंध उन पर लगा दिए गए थे। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, ये सभी सवालों के जवाब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस लेसन के अंदर। हालांकि कुछ हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों ने आदिवासियों पर भी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे, तो जिस वजह से आदिवासियों को अपनी जीविका बदलनी पड़ी। लास्ट में हमारा कंक्लूजन यही निकलेगा लेसन के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे, बट हमें पूरा लेसन पढ़ना जरूर चाहिए। आगे देखिए, यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, जो जनजातियाँ, ट्राइबल सोसाइटीज़ का मतलब क्या हुआ, जनजातियाँ, ठीक है। अच्छा, जंगलों में रहने वाले या फिर आदिवासी आप कह सकते हैं, तो उनके बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, कस्टम्स एंड रिचुअल्स वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए कस्टम्स एंड रिचुअल्स यानी कि इसका मतलब होता है रीति रिवाज। तो सभी जनजातियों के अपने खुद के कुछ रीति रिवाज थे, ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, और जो कि बोलता है कि डिफरेंट फ्रॉम दोज लेट डाउन बाय ब्राह्मण्स, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों से अलग थे। दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटीज, जो हमारे यहाँ वर्ण समाज बनाया गया था, जैसे अलग अलग वर्ण बनाए गए थे, उस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उनका जीवन उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बताया ट्राइबल्स कौन हैं, वो हैं जो कि हमारे जैसे जीवन को नहीं जीते, जिस तरीके से हम समाज में बंधे हुए हैं, जाति धर्म में बंधे हुए हैं, उस तरीके से ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते उस चीज़ को। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब टॉट ऑफ देमसेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, यानी कि जितने भी एक ट्राइब के लोग होते हैं वो सभी एक कुटुंब में बंधे रहते हैं, यानी कि वो एक ही चीज़ को सबके सब फॉलो करते हैं। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद ट्राइब्स, यानी कि इसका मतलब मगर ये नहीं है कि सभी के सभी जो ट्राइब्स हैं यानी कि जनजातियां जो हैं वो उनमें सभी लोग गरीब हैं या सभी लोग बहुत अमीर हैं, तो कुछ अमीर भी हैं और कुछ गरीब भी हैं, जैसे हम आज के समाज में देखते हैं कि कुछ अमीर लोग भी रहते हैं और कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्राइबल्स के साथ भी था या आज भी है कि कुछ अमीर भी हैं और कुछ गरीब भी हैं। आगे देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइफ, यानी कि ट्राइबल ग्रुप जो थे, जनजाति समूह जो थे, वो किस तरीके से रहते थे। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि 1900 शताब्दी में जो ट्राइबल लोग थे, जनजातियाँ जो थी, वो जो हैं अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते थे और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, अलग अलग कार्य करते थे। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है सम वर जूम कल्टीवेटर्स, कुछ उनमें से जूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है। अब जूम कल्टीवेशन
वर्ड जो है हमने ज्योग्राफी में पढ़ के आया हुआ है। मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर में भी ये दे चुके हैं, जूम कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है। तो जूम कल्टीवेशन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले ही बता देता हूँ। जूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एक जंगल के क्षेत्र में जा कर के जहाँ खाली स्थान मिल जाए वहाँ पर सही से एक खेत बनाना, या आसपास की सूखी झाड़ियों को काट देना या पेड़ों को भी काट देना जिसकी वजह से वहाँ पर एक खेत बन जाए और वहाँ पर खेती करना। जब तक उस ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है तब तक वहाँ पर खेती करते रहना। उसके बाद उस जगह पर, ठीक है, वहाँ पर उस घास को जला करके उस जगह को छोड़ करके चले जाना, ठीक, नई जगह जा करके अपना खेत बनाना। आप समझिए इस बात को, ये जो जूम कल्टीवेशन था ये पॉसिबल था तब तक जब तक खूब सारे जंगल और खूब सारा इलाका हमारे देश में खुला हुआ था, या हमारे देश में काफ़ी सारी ज़मीन थी। बट आज के समय में ये पॉसिबल बिल्कुल भी वैसे नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि इतनी लैंड भी नहीं है और जा करके जगह जगह जाना और पेड़ों को काटना अच्छी भी बात नहीं होगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सरकार ने अभी भी इस चीज़ को करने की आज़ादी दी हुई ही है, जहाँ पर ट्राइबल्स को बिल्कुल, ठीक है, अलग से रहने की जगह होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स हैं इंडिया के अंदर, जहाँ जो कि बिल्कुल भी आम आदमियों से दूर हैं और आम आदमी वहाँ पर जा भी नहीं सकते, उनका जाना वहाँ पर बैन है। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर अगर आम इंसान जाते भी हैं या लोग जाते हैं तो वो लोग वो लौट के नहीं आते। इट मीन्स उन लोगों को वो लोग मार देते हैं, क्योंकि उन लोगों को टच में ही नहीं है बिल्कुल भी। वो ऐसी प्रजातियां, ऐसी जनजातियां जो आम सिविल्स के टच में बिल्कुल भी नहीं हैं, तो उनको नहीं पता कि कैसे सिविलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर जाना सरकार ने भी बैन किया हुआ है। और अच्छी बात भी है कि कहीं पर तो ऐसा है, इंडिया में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आदिवासियों को संजो के रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी, गर्व की बात बल्कि मैं कहूँगा। तो आगे देखिए, जूम कल्टीवेटर्स, तो जूम कल्टीवेटर्स मैंने आपको समझा दिया, जो अलग अलग जगह जा करके खेती करते थे, ठीक है, उनको जूम कल्टीवेटर्स कहते थे। और ये जूम कल्टीवेटर्स जो थे ये भी ट्राइबल्स ही थे। तो उसके बाद देखिए, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, बाकी तो मैंने आपको डेफिनेशंस बता ही दी पूरी, ओवरऑल डेफिनेशन। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि यहाँ पर वर्ड आया फेलो। फेलो क्या है? अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। यानी कि जब कल्टिवेटर्स, जूम कल्टिवेटर्स उस ज़मीन को छोड़ के चले जाते थे तो वो ज़मीन कुछ समय के बाद अपने आप फर्टाइल हो जाएगी, उसको रिकवर करने में। हालांकि क्योंकि उस ज़माने में कोई आपका फर्टिलाइजर्स तो थे नहीं उनके पास, ना ही उनको आपका कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाने का, वो नेचुरल तरीके से उसको रीजनरेट होने देते थे, अपने आप से उसको फर्टिलिटी को रीगेन होने देते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है उसको बोलते थे, ऐसे खाली पड़े हुए खेत को बोलते थे जो कल्टीवेटर्स छोड़ के चले जाते थे, उसको बोलते थे हम क्या, फेलो, उसको फेलो वर्ड कहते हैं। उसके बाद है साल। साल एक पेड़ का नाम होता है जिससे साल के पेड़ से पत्ते और लकड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन नैनीताल और राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का काफ़ी बड़ा इलाका कवर करता है, वहाँ पे आपको साल ट्रीज मिल जाएंगे। बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे साल के पेड़ मिलते हैं। उसके बाद है महुआ। महुआ एक प्लांट का नाम होता है जिससे जिसकी पत्तियों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके फूलों को इस्तेमाल में लाया जाता है और इनसे एल्कोहल, ठीक है, बनता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो जूम कल्टीवेशन के बारे में ओवरऑल हो गया, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम स्टोरी वही है जूम कल्टीवेटर्स के बारे में जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ी है। हाँ, आगे देखते हैं। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ जो थे वो शिकारी थे और संग्राहक थे। गैदरर्स का मतलब होता है संग्राहक, हंटर्स का मतलब होता है शिकारी। हंटर्स शिकारी और गैदरर्स का मतलब संग्राहक, यानी कि शिकार करने वाले और चीज़ों को संजो के रखने वाले, उनको बोलते हैं गैदरर्स, जो कलेक्शन करते हैं, सामान को संभाल के रखते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर देखिए आप, यहाँ पर कुछ प्रजातियों के नाम दिए हुए, देखिए डोंगरिया कांडा, ठीक है, डोंगरिया कांडा, ये भी एक ट्राइबल हैं, ट्राइबल्स हैं और उनका नाम दिया हुआ है, जनजाति का नाम है ये। उनकी वुमेन्स हैं
डोंगरिया कांढा की वुमेन्स जो कि उड़ीसा के अंदर किसको कलेक्ट कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं पेंडुनूज, पेंडुनूज लीव्स को कलेक्ट करें, पेंडुनूज लीव्स जिनसे जो है प्लेट्स बनाई जाती हैं। आज भी खैर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि आप कुछ इलाकों में जाएंगे तो अब प्लास्टिक और थर्मोकोल प्लेट्स का यूज़, वैसे पहले तो ये इनका प्लेट का यूज़ करते थे, बीच में मगर चला ना गया था कि प्लास्टिक और थर्मोकोल प्लेट्स को यूज़ करने लगे थे, बट अब गवर्नमेंट स्पेशली इस पर ध्यान दे रही है और दोबारा से पत्तियों से बनी हुई प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, आपको मैं बता दूं बांस से भी आजकल बॉटल्स बनने लगी हैं, बांस की बॉटल्स बन रही हैं, बांस के जो हैं आपका बर्तन बनने लगे हैं जिसकी वजह से उस पर ही उस पर पानी को रखते हैं, स्टोर करते हैं, टी वगैरह स्टोर करने के लिए उसको थर्मस का पर्पज़ से उसको बनाया जा रहा है जो बांस होता है उसके में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन पौधों को कलेक्ट करते थे आदिवासी लोग, ये देखिए, और इनसे फिर प्लेट्स वगैरह बनती थी और आज भी अब दोबारा से वो कल्चर लौट के आ रहा है और आजकल शहरों में भी इनका इस्तेमाल होने लगा है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए कि बोलता है कि सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ लोग शिकारी और कुछ जो थे वो संग्राहक थे। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लाइव्ड विद हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि कुछ इलाकों के अंदर जो जनजातियाँ थी वो शिकार करती थी जानवरों का और जंगलों से मिलने वाले सामान को संजो के रखती थी, उनका इस्तेमाल करती थी, इवन उनको बेचती भी थी। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जंगलों को वो लोग बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। द कोहंट्स, कोहंट्स ये फिर एक और प्रजाति का नाम आ गया, देखिए जनजाति का नाम कोहंट्स, ठीक है, ये भी एक जनजाति है। वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, ये वो जनजाति है जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्फ, ये लोग लगातार जो है शिकार करते थे, मीट को कलेक्ट करते थे और फिर आपस में उनको बांट के खा लिया करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ, ये जो है फल और जड़ों को इकट्ठा करके उनको खाया करते थे। और यहाँ तक कि तेल, कौन सा तेल यूज़ करते थे, साल के बीजों का और महुआ के बीजों से बना हुआ तेल इस्तेमाल होता था जिसमें ये खाने को पकाते थे। देखिए इंटरनल क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप हायर, जब आप बड़ी क्लासेस के एग्ज़ाम देते हैं तो ये 8th क्लास की SST को पढ़ने के लिए बच्चे कोचिंग लेते हैं स्पेशली, और जब हम छोटे होते तब इस बात पर ध्यान नहीं देते। यही सब क्वेश्चंस जो हैं आपका HTET के अंदर, आपका CTET के अंदर और आपका जितने भी आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के, ठीक है। कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, कौन सी जनजाति इस तरीके के पत्ते कलेक्ट करती थी, कौन सी जनजाति इस तरीके का काम करने के लिए फेमस है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए, दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट शर्ब्स एंड हर्ब्स, शर्ब्स का मतलब होता है, हर्ब्स का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे घास नुमा पौधे, हर्ब्स हैं देखिए छोटे छोटे, ठीक है। और शर्ब्स का मतलब क्या होता है, थोड़े बड़े पौधे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मगर बिल्कुल ट्री नहीं, जो थोड़े मिडिल साइज के होते हैं उनको शर्ब्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, शर्ब्स और हर्ब्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए करते थे, यानी दवाइयाँ बनाने के लिए करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, इसके अलावा इनको लोकल मार्केट्स में बेच दिया जाता था, जंगलों से मिलने वाले सामान को लोकल मार्केट्स में बेच देते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द कॉन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाइज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर्स। देखिए अब यहाँ पर एक और आ रहा है, कुसुम एक फूल का नाम है और पलाश भी एक फूल का नाम है, ये कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, इनसे कलर बनते हैं और उन कलर्स का इस्तेमाल फिर कपड़ों को और चमड़े को रंगने के लिए किया जाता था।
ठीक है। अच्छा, और जो है ये सब जो जनजातियाँ थी, और जनजातियाँ मार्केट्स में जाकर के अपने सामान को बेचा करती थी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो का पार्ट, और आज मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उन क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स देने हैं। आपको बताना है कि साल ट्रीज के जो फॉरेस्ट हैं वो इंडिया के किस रीजन में पाए जाते हैं। साल फॉरेस्ट या साल ट्रीज किस रीजन में मिलते हैं, इंडिया के किस रीजन में मिलते हैं, और अगर आप बता पाएं कौन से नेशनल पार्क में वो मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम आज की वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।